जंगल है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज का जो ये ब्लॉग है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मेरी बहन के साथ में। वैसे बहुत सारे वीडियोस में आपने इसे मेरे साथ देखा होगा, बट बहुत कम सीन इसका होता है, वो भी एटेंडम वाला। बट आज प्रॉपर स्टार्टिंग से एंड तक ये ब्लॉग मेरा मेरी बहन के साथ होने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। हे गाइस, तो ये बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं सारे बच्चों के साथ में आ जाती हूँ महुआ काली घाट के लिए, बिकॉज वहाँ पे गणेश पूजा था और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था आने के लिए इसलिए। बट अभी फ़िलहाल मैं जो मेरी सिस्टर है उसके फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, जो फाइनली ये आ चुकी है। तन्नू नाम है इसका, ये मेरी बहन के स्कूल की फ्रेंड है स्टार्टिंग से एंड तक। अभी कॉलेज लाइफ में भी ये लोग एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है और आगे भी आई होप कैसे ही इन दोनों का फ्रेंडशिप रहे। बाकी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे का सीन दिखाते हैं आप लोगों को। एक तन्नू दीदी, इसकी बड़ी मम्मी की बेटी, नाम बता तो आरव। आरव नाम बताओ, आरव नाम बताओ मेरा क्या है, फिर से बताओ ना नाम। आरव गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महुआ काली घाट और बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन यहाँ पे किया गया था। और मेरे लिए एक चीज़ बहुत शॉकिंग है, आप लोग भी सुन के शायद मतलब आप लोग को भी अजीब सा लगेगा कि मेरे घर के काफ़ी पास है ये जगह, मैं यहीं की हूँ, बट फिर भी मैं फर्स्ट टाइम इस जगह पे आई हूँ। हर साल गणेश पूजा पे यहाँ पे मतलब गणेश जी का स्थापना किया जाता है, काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह किया जाता है, बट फिर भी मतलब मेरे लिए ये शॉकिंग है कि मैं इससे पहले कभी ही नहीं आई हूँ। बट पता नहीं अचानक से मतलब प्लान बन गया और मेरा बेटा भी काफ़ी ज़िद कर रहा था कि बस मुझे मेला जाना है। उसे भी नहीं पता इस जगह के बारे में, बस उसे इतना पता था कि कहीं मेला लगा, मुझे मेला जाना है। यहाँ आते ही सबसे पहले मैं आ जाती हूँ बापा का दर्शन करने के लिए। बहुत ही प्यारा एंड क्यूट सा बापा का मूर्ति यहाँ पे रखा गया था। बाकी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, काफ़ी यूनिक लग रहा था बापा का मूर्ति यहाँ पे। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। ये रही मेरी बहन, और मेरी बहन के लिए मैं क्या ही बोलूँ, बस पापा से इतना ही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद और साथ और मेरे भाई का आशीर्वाद और साथ हमेशा मेरी बहन के साथ हम लोगों के साथ रहे। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, एक भाई को खोना ये बहुत बहुत मुश्किल है। पापा का दर्शन करने के बाद मैं आ जाती हूँ। थोड़ा बहुत जो मीना बाज़ार लगा था, कुछ खास तो नहीं था यहाँ पे, बट हाँ थोड़ा बहुत मीना बाज़ार लगा था, वहाँ पे आती हूँ। जो बच्चे लोग थे वो लोग कुछ कुछ सामान वगैरह लेंगे तो उन लोगों को लेके मैं आ जाती हूँ इस साइड में। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं था।
टाइम बहुत ज्यादा होते जा रहा था, तो मैं यहाँ बच्चे लोगों के लिए जल्दी जल्दी खिलौना वगैरह ले रही थी, क्योंकि बच्चे और खिलौना ना ले ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ले रही थी। उस इतना लेने के बाद भी मेरा बेटा गुस्सा हो गया, तो फिर मैं वापस से आती हूँ यहाँ पे उसे कुछ दिलाने के लिए, नमकीन वगैरह। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। पापा को कॉल भी आ रहा था कि कब तुम लोग आ रहे हो। और ये रहा आरव, जिसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मेरी जो बहन की फ्रेंड थी तन्नू, वो इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो ये रहा दोनों का मस्ती, काफ़ी अच्छा लगा देख करके। बाकी आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके जल्दी से बताओ।